बीपीएससी के मुद्दे में चेयरमैन से लेके कौन कौन नेता, कौन कौन दलाल इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बड़ी मछली है और किसके किसके शेयर है नेताओं के साथ, इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। आप एक ठो वीडियो और एक ठो को जेल भेज दिए, इसमें कोई मुद्दा है? जितनी क्षमता हमारी औकात होगी मोरली, फिजिकली और मेंटली, इस बच्चों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा मंत्री को अपना कुछ बुझे भी नहीं करता है उनको, आप भैया कभी वो कुछ बोलते हैं सुने हैं कि इतनी बड़े सिस्टम को किसने कोलैप्स किया? बिहार में ही प्रश्न पत्र बार बार लीक क्यों होता है? केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्यों नहीं? यहीं के चेयरमैन, यहीं के पदाधिकारी बार बार जेल क्यों जाते हैं? भैया हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का? पटना के गर्दनी बाग में सीटीएट बीटीएट का आज जो है धरना प्रदर्शन काफी लंबा चल रहा है, लेकिन आज उनका मुंडन का कार्यक्रम था। इसी बीच पप्पू यादव पहुंचते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आर के महाजन, उनके बिहार के कई नेताओं के साथ संपर्क हैं, संबंध हैं और सभी लोग मिल करके ये काम किए हैं, यानी एक तरह से मिली भगत है। क्या कहा है पप्पू यादव ने, आप भी सुनिए। और जब हम उनसे सवाल पूछे कि जातीय जनगणना पर जो है क्या आप तेजस्वी यादव के साथ पैदल जाएंगे, उस पर क्या कहा पप्पू यादव ने, आप पूरा वीडियो सुनिए। गवर्नमेंट का घर भरने के लिए और दलालों और पदाधिकारी के घर भरने के लिए कि बहाली के बाद बोली लगा दो? बीपीएससी के मुद्दे में चेयरमैन से लेके कौन कौन नेता, कौन कौन दलाल इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बड़ी मछली है और किसके किसके शेयर है नेताओं के साथ, इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। आरके महाजन पर आपने कहा कि कोई बड़े नेता से उनका संपर्क है, आप नाम सर एक बात बताइए हम, आप देखिए आप बच्चा है, मैंने कहा किस नेता से उनका संपर्क अच्छा नहीं है? अभी जो वो चेयरमैन है तो सरकार से अच्छा संबंध होगा, हो कि नहीं? टीचर्स में चेयरमैन थे, अच्छा संबंध होगा? उनके टाइम में सर रीजन में स्टेट कैंसिल हुआ था, वही हुआ तो आप पूरी जांच करिए ना। आप एक ठो वीडियो और एक ठो को जेल भेज दिए, इसमें कोई मुद्दा है? हम लोग पूरे तरीके से बीटीटी और एसटीटी जो यहाँ पर बच्चे हैं पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं। हम शिक्षा मंत्री से बातचीत किए हैं, जितनी क्षमता हमारी औकात होगी मोरली, फिजिकली और मेंटली, इस बच्चों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोला कि शिक्षा मंत्री से बात हुई है, तो शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई है? शिक्षा मंत्री को अपना कुछ बुझे भी नहीं करता है उनको, आप भैया कभी वो कुछ बोलते हैं सुने हैं? आज मुंडन संस्कार है इन लोगों का। भैया मुंडन संस्कार तो नेताओं का करवाइए ना, आप छोड़िए। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इतनी बड़े सिस्टम को किसने कोलैप्स किया? बिहार में ही प्रश्न पत्र बार बार लीक क्यों होता है? केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्यों नहीं? यहीं के चेयरमैन, यहीं के पदाधिकारी बार बार जेल क्यों जाते हैं? और ये सिस्टम के गलत व्यवस्था के कारण प्रश्न पत्र लीक होता है, क्या आगे नहीं होगा? कौन कौन इसमें खोता है, इसकी तहकीक करिए, जांच करिए। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इसको बैठने की इजाजत दीजिए, हम डीएम साहब से बात करते हैं और इस बच्चों की लड़ाई में हमारी पार्टी और व्यक्तिगत पप्पू यादव इनके साथ खड़े हैं। एक सवाल सर, अपर सचिव का प्रमोशन हो गया, उनको केंद्र में भेजा जा रहा है, संजय जी को शिक्षा विभाग। भैया हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का? तो जो रोग भाए सो भेद फरमाए, तो कौन किसको क्या पसंद है तो वो उनसे ना पूछेगा, इसमें हम ही कहेंगे। जातीय जनगणना पे पैदल जाइएगा तेजस्वी यादव के साथ? सर क्षमा करिएगा, हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, अपने तरीके होते हैं, इसमें मेरा कोई कमेंट अच्छा नहीं है। मैं अभी इन लड़ाई को लड़ने आया हूँ, बिहार में लड़ाई है रोजगार की और युवाओं के पर लाठी चलने को रोकने की, मुद्दा यह है, मुद्दा पॉलिटिकल नहीं। धन्यवाद। आपने पप्पू यादव को सुना, साफ कह रहे हैं कि जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है
उसमें आर के महाजन का कई बिहार के नेताओं के साथ संपर्क है और वो जो है मिली भगत करके काम कर रहे थे। साथ में जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि बिहार का जो अभी मुद्दा है कुछ और है, तो अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आ जाए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वीडियो में धन्यवाद।